कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहने। नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, परंतु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। दरअसल बिहार में कोविड 19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने 5 मई को पहली बार लॉकडाउन लगाया था। इसे अभी तक 3 बार बढ़ाया जा चुका था और सोमवार को ये चौथी बार बढ़ाया गया। बिहार में पहली बार लॉकडाउन 15 मई तक लगाया गया था। उसके बाद स्थिति को देखते हुए सरकार ने इसे 25 मई तक बढ़ाया। इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लेते हुए सीएम ने 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने की जानकारी दी थी। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए सरकार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा सकती है। बिहार में कोरोना की रफ्तार लॉकडाउन लगाने के बाद से ही काफी धीमी हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते लॉकडाउन के दौरान पाबंदी में थोड़ी ढील दी जाएगी, जैसे जरूरी सामान की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी और गैर जरूरी चीजों की दुकानें 1 दिन छोड़कर खोली जाएंगी, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। दुकानों को ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर खोलने की छूट दी गई है, अर्थात कुछ दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार खोलेंगी तो कुछ मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को। संबंधित डीएम स्थानीय स्तर पर इसे तय करेंगे। सभी दुकानों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। इसमें लापरवाही होने पर डीएम अस्थायी तौर पर दुकान को बंद कर सकते हैं। वहीं सरकारी कार्यालयों के कुछ और विभागों को भी छूट के दायरे में लाते हुए वहाँ नए नए नियमों के तहत कामकाज शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। कई सरकारी कार्यालय 25% कर्मियों के साथ शाम 4 बजे तक खोले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कुछ धीमी बढ़ गई है। रविवार को राज्य में 1475 नए कोरोना मरीज मिले। यहां एक्टिव मरीजों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में इस वक्त कोरोना के कुल 18,378 कोरोना के एक्टिव केस है। वहीं 6,82,166 लोग राज्य में कोविड से रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही 5,104 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।